रिहोवा सांसद नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में किसान रेस्ट हाउस में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया तथा पिहोवा सरस्वती से डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। सांसद नायब सैनी ने डोर टू डोर संपर्क अभियान से पहले सरस्वती माँ मंदिर और छठवी पातशाही गुरुद्वारा से शीश महल में माथा टेका। जो आज ये अभियान शुरू किया है, किस प्रकार से रहेगा और कैसे कैसे कार्यक्रम रहेगा? देखिए, पूरे प्रदेश के अंदर जो डोर टू डोर संपर्क अभियान महाअभियान ये चल रहा है, उसके तहत आज पिहोवा के अंदर ये जनसंपर्क अभियान के तहत मैं यहाँ पर आया हूँ और हर घर में जा कर के ये पिछले 5 वर्षों में प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने जो कार्य किए हैं, केंद्र सरकार ने जो पिछले 5 वर्षों में आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जो कार्य किए हैं, उन सब की चर्चा उन सब को लेकर के घर घर जा कर के उनको बताने का काम हमारे सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं। उस कड़ी के अंदर आज सेवा में मेरा आना हुआ और डोर टू डोर का संपर्क महाअभियान चल रहा है और उसको लेकर के मैं आ जाऊँ यहाँ। तो क्या इस डोर टू डोर संपर्क के अभियान के बलबूते 75 पार कर पाएगी भाजपा? देखिए, सरकार ने जो जो कार्य किए हैं वो जनता के बीच में डिस्कस होने चाहिए और जनता ने आज उन कामों के ऊपर मोहर लगाई और जनता तो बोल रही है कि रिजल्ट 100% हुआ है, वो इंतजार कर रही है और आने वाले समय के अंदर जब विधानसभा के 1-2 दिन में आचार संहिता लगने वाली है और जो ही चुनाव होगा लोग इंतजार में है। विपक्ष कहीं दिखाई नहीं दे रहा। भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल जी जिस प्रकार से उन्होंने जन आशीर्वाद यात्रा लेकर के वो निकले थे और हरियाणा प्रदेश की जनता का भरपूर आशीर्वाद सहयोग आदरणीय मुख्यमंत्री जी को मिला, उससे साबित है कि पूरी प्रदेश की जनता मनोहर लाल जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के साथ। ये 5 साल के अंदर माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा को पारदर्शी सरकार दी है और आज हरियाणा की जनता 90 की 90 सीटें माननीय मनोहर लाल जी की झोली के अंदर डालने जा रही हैं। पिछले दिनों माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा जब पिहोवा के अंदर आई, लाखों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की जन आशीर्वाद यात्रा का उनको आशीर्वाद दे करके जनता ने उनका समर्थन किया। आज हम यहां पर हमारा महासंपर्क अभियान 11 से 15 तारीख तक का जो चला हुआ है, हम डोर टू डोर जाने के लिए सरस्वती तीर्थ से लेकर के बाजार तक इस कार्यक्रम में आज हमारे बीच में हमारे सांसद माननीय श्री नायब सैनी जी उनके साथ महासंपर्क अभियान पिहोवा के अंदर चला रहे हैं और आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हरियाणा के अंदर बनने के बाद जिस प्रकार के काम हमने 5 साल के अंदर किए, कुछ काम अभी हम और चाहते थे जो नहीं कर पाए, आने वाले 5 साल के अंदर जनता हमें समर्थन देकर के हरियाणा के अंदर हमारी सरकार बनाएगी तो हरियाणा के अंदर निश्चित रूप से एक भारतीय जनता पार्टी ऐसा प्रदेश बनाएगी, हरियाणा देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश होगा।